अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग पिजन टीप। दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करता सब बढ़िया होंगे। दोस्तों हमें काफी सारे भाई के कमेंट आ रहे थे, गोलू भाई आप अपने घर के कबूतर के बच्चे बताओ, आप अपने घर की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताओ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आज भाई को अपने घर के कबूतर के बच्चे बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं स्पीड से। पहले मैं आपको यहाँ के कबूतर के बच्चे दिखाता हूँ। माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे दो कबूतर के बच्चे निकले हैं। चीना कबूतर है और ये उसकी मादी है। दोस्तों तकरीबन 3-4 दिन हो गए इन बच्चों को निकले हुए। एक बच्चा छोटा है और एक बच्चा बड़ा है। माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे एक फेंटेल कबूतर का बच्चा है जो कि दोस्तों ब्लैक टेल में निकला है। तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों यह है फेंटेल कबूतर का बच्चा जो कि ब्लैक टेल का निकला है। इसकी काली पूंछ है। इसको आपको थोड़ा मैं बाहर छोड़ के दिखाता हूँ। ये बच्चा पाँव पूंछ है और ये बच्चा ब्लैक टेल का निकला है। बस दोस्तों 2-3 पूंछ इसके सफेद होंगे अंदर की, बाकी पूरी ब्लैक टेल है। तो दोस्तों इस बच्चे को हम रख देते हैं अंदर में। माशाल्लाह दोस्तों बहुत ही प्यारा बच्चा निकला ये। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको ये बच्चा कैसा लगा। दोस्तों यहाँ पे एक रामपुरी कबूतर का बच्चा है जो दोस्तों मैंने दूसरे शहर से कबूतर लेके आया था। ये बच्चा उनका है देखिए। और ये मादी टेढ़ी मुंडी होगी दोस्तों। ये मादी पुरानी लकवे में थी और अभी दोस्तों ये मादी फिर से लकवे में आ चुकी है। और यहाँ पे दोस्तों दो रामपुरी कबूतर के अंडे रखे, ये देखिए ये दोनों भी अंडे रामपुरी कबूतर के। तो दोस्तों देखिए भाई ने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो अभी दोस्तों इसको मैं लगा देता हूँ। इस बार दोस्तों यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे बच्चे और यहाँ पे बच्चे। तो अब दोस्तों मैं आपको यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताता हूँ यहाँ पे क्या चालू है। कबूतर के बच्चे देखने से पहले एक बार माशाल्लाह जरूर बोल लेना। यहाँ का गाला टूट गया तो पहले इस गाली को हम लगा देते। तो दोस्तों गाली को मैंने लगा दिया हूँ। यहाँ पे दो कबूतर के बच्चे दोस्तों, एक है अपने गोला कबूतर का बच्चा और ये बच्चा है अपने घर के जयपुर वाले कबूतर का बच्चा। दोस्तों दोनों बच्चे बहुत ज्यादा शर्मा रहे हैं, यहाँ पे आ नहीं रहे। देखिए आप ये दो बच्चे निकले जो कि दोस्तों फेंडल कबूतर के पास में रखे। ये है अपने घर का सिराजी कबूतर। दोस्तों इसकी मादी टेढ़ी मुंडी हो गई। तो अभी यहाँ पे दोस्तों इसकी मादी नहीं है और ना ही दोस्तों इसका कोई बच्चा है अपने पास में। ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल कबूतर है। दोस्तों यहाँ पे भी बच्चे निकले थे कबूतर के, मगर वो बच्चे दोस्तों टेढ़ी मुंडी हो गए, इसलिए उन बच्चों को दोस्तों मैंने हटा दिया हूँ। और यहाँ पे भी दोस्तों दो कबूतर के अंडे रखे। और ये है दोस्तों अपने कलसरे कबूतर का बच्चा और ये गाली के अंदर बहुत ज़्यादा चींटी हो चुकी है। तो इसलिए दोस्तों इस बच्चे को मैं लॉफ्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो दोस्तों आपने हाका भी देख लिए। दोस्तों यह है रामपुरी कबूतर और अभी दोस्तों इनके पास में अंडे बच्चे कुछ भी नहीं है। यह है दोस्तों अम्बलसरी कबूतर। दोस्तों इनके अंडे हुए थे मगर इनके अंडे पहली बार के खराब हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे है कलधुमा कबूतर, देखिए आप, जो कि सिंगल है। दोस्तों बहुत जल्दी मैं इसको जोड़ा लगा दूंगा। दोस्तों इसका जोड़ा लगाया भी था मैंने, मगर बीमारी के चलते दोस्तों इसकी जो मादी थी वो मादी मर गई थी। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। तो दोस्तों देखिए आप भाई ने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो अभी दोस्तों मैं इसको लगा देता हूँ। ये देखिए मादी बाहर चलेगी। ये है अपने घर का सिराजी कबूतर। दोस्तों इसकी मादी टेढ़ी मुंडी हो गई, इसलिए इसकी मादी को मैंने हटा दिया हूँ। दोस्तों ये है अपने घर का ब्लैक वाला सिराजी कबूतर। दोस्तों इसकी मादी ने अंडी दी थी और इसकी मादी दोस्तों अभी मर चुकी है। तो इसके लिए दोस्तों हमको कोई मादी लिखाना पड़ेगा। दोस्तों ये है अपने कलसरी कबूतर। तो अभी दोस्तों इनके पास में कुछ भी नहीं है। दोस्तों ये वो कबूतर है जिसको दोस्तों मैंने दूसरे शहर से लेकर आया था। इसके बारे में घुंघरू तले देखिए आप। और इसका जोड़ा दोस्तों मैंने इस मादी के साथ में लगाया हूँ। ये चीनी मादी है। दोस्तों इसको मैंने बहुत पहले पकड़ा था, तो इसका जोड़ा मैंने इस मादी के साथ में लगाया हूँ। दोस्तों दोनों ही वाइट टाइप के कबूतर है, काली चोंच काले नाखून। दोस्तों यहाँ पे हमारे गिरेबाज कबूतर है और इनके पास में दोस्तों एक बच्चा निकला है कबूतर का। दोस्तों ये है अपने घर के जंगली कबूतर जो कि दोस्तों दोनों भी नर निकले। दोस्तों पहले मुझे ऐसा लग रहा था ये जो पीली आंख का ये मादी है और जो वाइट टाइप का है वो नर है। तो अभी दोस्तों मुझे पता चला है कि दोनों भी दोस्तों नर कबूतर है और दोस्तों नर नर का जोड़ा लगा है अपने घर में। दोस्तों ये है अपने घर के नीलधूमे कबूतर और अभी दोस्तों इनके पास में एक अंडा है। देखिए आप, इसकी मादी ने दोस्तों एक अंडा दिए, तो इसको रखते थे हम यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे अपने घर के जयपुर वाले कबूतर का जोड़ा रखा था। अभी दोस्तों यहाँ पे सिर्फ उसकी मादी है, इसका जो नर है वो टेढ़ी मुंडी हो चुका है। दोस्तों यहाँ पे हमारे घर के जयपुर वाले कबूतर का बच्चा है जो कि बहुत ज़्यादा तेज है। दोस्तों ये है इस बच्चे की माँ, मगर ये बच्चा मैंने इसके पास में रखा हूँ, ये बच्चा मैंने किसी और के पास में रखा हूँ। और दोस्तों सिंगल मादी इस बच्चे को पाल रही है। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बच्चा है। दोस्तों ये मादी है जो कि इस बच्चे को पाल रही है। तो दोस्तों देखिए आप भाई ने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताता हूँ यहाँ पे क्या चालू है। दोस्तों यहाँ पे कलधुमी मादी है। दोस्तों मैं सोचा हूँ इसका जोड़ा उस कलधुमे कबूतर के साथ में लगाता हूँ, क्योंकि ये भी कलधुमा है और ये भी कलधुमी है। दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए यहाँ पे ना अंडा है ना बच्चा है। दोस्तों यहाँ पे एक प्लास्टिक का अंडा है, ये देखिए आप, ये देखिए नर कितना गुस्सा कर रहा है। और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे एक कबूतर का बच्चा है जो कि दोस्तों अपने घर के गिरेबाज कबूतर का बच्चा है। दोस्तों ये बच्चा एक जोड़े का है, उस बच्चे के दोस्तों असली माँ बाप ये है। देखिए ये मादी कितना ज़्यादा गुस्सा कर रही है। तो दोस्तों देखिए आप भाई ने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। तो अभी दोस्तों मैं इसको लगा देता हूँ। तो अब दोस्तों हम इसको खोलते। दोस्तों ये बच्चा है अपने घर के रामपुरी कबूतर का। तो इस बच्चे को दोस्तों हम यहाँ पे रख देते।
यहाँ पे दोस्तों कुछ भी नहीं है, ना दोस्तों यहाँ पे अंडे है और ना ही दोस्तों यहाँ पे बच्चे है। यहाँ पे एक बच्चा था सफेद कलर का जो कि ये बड़ा हो चुका है, तो उस बच्चे को दोस्तों मैंने यहाँ पे रखा हूँ। ये देखिए ये व्हाइट वाला बच्चा है दोस्तों। अभी ये कबूतर मेरे पास सिंगल है, तो दोस्तों इसका जोड़ा मैं बहुत जल्दी लगा दूंगा। यहाँ पे एक कबूतर का बच्चा है आपको दिखाता हूँ मैं, और ये बच्चा दोस्तों इनका नहीं है, ये बच्चा किसी और कबूतर का है। बहुत ही लाजवाब बच्चा है दोस्तों। इन लोग पहली बार बच्चा पाल रहे हैं और बच्चा ही बहुत अच्छे तरीके से पाल रहे हैं। तो दोस्तों देखिए आप भाई ने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताता हूँ, तो देखना दोस्तों आप यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस। यहाँ पे अपने घर का सबसे बड़ा कबूतर और इसके पास में दोस्तों दो बच्चे, एक बच्चा है दोस्तों अपने घर के नीलभूमि कबूतर का और एक बच्चा है दोस्तों दोबाज कबूतर का। ये बच्चा निकला है दोबाज, इधर के जो इसके पर वो सफ़ेद है, ये दोबाज कबूतर का बच्चा है जो कि दोबाज ही निकला है, तो इसको हम यहाँ पे रखते हैं। दोस्तों ये बच्चा है अपने घर के नीलभूमि कबूतर का जो कि पूरा वाइट है और जो इसकी पूँछ है ना ब्लैक है सिर्फ। दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ का एक नर कबूतर है जो कि दोस्तों बाहर आ चुका है, तो अभी इसको करते हैं हम बंद। चल अंदर। तो दोस्तों देखिए आप भाई ने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, तो दोस्तों आपको मैं यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस बताता हूँ अभी। यहाँ पे एक जोड़ा है कबूतर का और माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे दो बच्चे हैं कबूतर के, और कबूतर के बच्चों के पेट में देखिए आप दाना कितना ज़्यादा है। इन लोग कबूतर के बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पालते हैं। ये देखिए आप यहाँ दो बच्चे कबूतर के, और ये दोनों ही बच्चे दोस्तों इन्हीं के हैं। दोस्तों यहाँ पे है हमारे घर का भौरी का बच्चा, दोस्तों ये भौरी का बच्चा है और ये बच्चा दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पल रहा है। यहाँ पे एक सिंगल कलसरा कबूतर है, तो दोस्तों यहाँ पे एक वाइट पट्टा है जो कि बाहर निकल चुका है, जब कबूतर मैं बंद करूंगा तो आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे दो बच्चे हैं कबूतर के और ये दोनों बच्चे इसी के हैं। इसकी जो मादी है वो लाल तांबड़ी है और ये नर भी लाल तांबड़ा है। ये दो बच्चे लाल तांबड़े कबूतर के। दोस्तों हमने एक दिन में चार कबूतर पकड़े थे, तो ये उसी में की मादी है, ये जाक मादी है और ये अभी सिंगल है। ये देखिए ये मादी उड़ रही है और ये कबूतर भी उड़ रहा है, तो दोस्तों इन कबूतर को मैं कर देता हूँ बंद। तो दोस्तों ये है अपने घर का सफेद पट्टा जो कि सामने की बिल्डिंग के ऊपर में जाके बैठ चुका है। दोस्तों पता नहीं इसको क्या हो गया, दोस्तों कभी ऐसा नाटक नहीं करता है मगर आज बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान कर रहे हैं। और अभी दोस्तों मैंने दो कबूतर खोला हूँ, क्योंकि अगर कबूतर खुले नहीं रहेंगे तो कबूतर का बच्चा किधर भी जा सकता है। तो दोस्तों वो कबूतर तो यहाँ पे बैठा है और अभी यहाँ के मैंने सारे कबूतर बंद कर दिया हूँ। दोस्तों यहाँ पे दो बच्चे, यहाँ पे एक भौरी का बच्चा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक वाइट पट्टा है, यहाँ पे एक जाकमा दी है और यहाँ पे दोस्तों दो कबूतर के बच्चे। दोस्तों फाइनली ये पट्टा अपने छत के ऊपर में आके बैठ चुका है, तो अब दोस्तों मैं इसको पकड़ लेता हूँ और पीठी के अंदर बंद कर देता हूँ, फिर आप भाइयों को दिखाता हूँ मैं। तो दोस्तों फाइनली इसको पकड़ लिया हूँ मैंने। ये अपने घर के काली धूम के चीने का बच्चा है, सफ़ेद चोच सफ़ेद नाखून काली आँख मको बच्चे बोलेंगे इसको, तो इसको मैं यहाँ पे रख देते इस जगह पे। तो दोस्तों देखिए आप भाई ने यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस, तो दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी यहाँ की ब्रीडिंग प्रोग्रेस कैसी लगी। तो दोस्तों लॉट के अंदर मैं अंडे बच्चे निकालता हूँ नहीं, फिर भी दोस्तों आपको मैं लॉफ्ट दिखा देता हूँ लॉफ्ट के अंदर मैं क्या चलूँ अभी। तो देखिए दोस्तों आप ये है अपने घर के कबूतर का लॉफ्ट, और अभी दोस्तों इसके अंदर अंडे बच्चे कुछ भी नहीं है और ना ही दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा कबूतर है। और दोस्तों बगीरा ने इस मादी के साथ में जोड़ा लगाया है, इस ललसरी मादी के साथ में, और ये है अपने घर के कलसरी कबूतर का पट्टा जिसको मैंने अभी लॉफ्ट में रखा हूँ क्योंकि उस गाली में चींटी हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए आप भाई ने मेरे घर के कबूतर के बच्चे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आज की वीडियो को हैंड करते। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।